गंगा नदी में मनुष्य द्वारा धुले हुए पाप कहाँ पर जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो कोई भी इस पवित्र नदी में एक बार डुबकी लगा लेते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा दशहरा तथा कुछ खास अवसरों पर लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं। माँ गंगा को पाप नाशिनी तथा मोक्ष दायिनी कहा गया है। गंगा में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि गंगा नदी के तट पर नहाने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ती है। प्रयागराज स्थित संगम तट पर मकर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा दशहरा, इन खास अवसरों पर बहुत भीड़ लगती है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और अपने सारे पाप धुल लेते हैं। गंगा नदी में मनुष्य द्वारा धुले हुए पाप आखिर कहां पर जाते हैं, आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बार एक ऋषि गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने के बाद उनके मन में एक सवाल उठता है और वो कहते हैं कि गंगा जी सभी मनुष्यों के पाप धुलती है, इसका मतलब क्या गंगा जी पापी हो गई? अब उन्होंने ये जानने के लिए तपस्या की कि आखिर गंगा में धोया हुआ पाप कहाँ जाता है। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि है भगवान, ये बताए कि मनुष्य द्वारा जो पाप गंगा जी में धुले जाते हैं आखिर ये सारे पाप कहाँ पर जाते हैं? तब भगवान बोले कि चलो इस प्रश्न का उत्तर हम गंगा जी से ही पूछते हैं। अब दोनों गंगा जी के पास चल दिए और माँ गंगा से यह पूछने लगे कि हे गंगा, आप लोगों के पापों को धुलती है, इसका मतलब आप पापी हो गई। तब गंगा जी ने कहा कि मैं क्यों पापी हो गई, मैं सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूँ। अब वो दोनों समुद्र के पास गए और समुद्र से कहने लगे कि गंगा जी सारे पापों को आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप पापी हो गए। तब समुद्र राज कहते हैं कि मैं कैसे पापी हुआ, क्योंकि मैं सारे पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब दोनों चले बादल के पास और कहने लगे कि हे बादलों, समुद्र पाप को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसलिए आप पापी हुए। तब बादलों ने कहा कि हे प्रभु, मैं पापी कैसे हुआ, मैं सारे पापों को पानी के रूप में वापस धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है। बिना पानी के इस धरती पर मानव जीवन संभव ही नहीं है। इसी अन्न को मानव खाता है तथा जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।